जागोरी सोनी वालो, कोई तुम्हें जगानी आया, मेडिटेशन का मौसम तुमको मस्त बनानी आया। जागोरी सोनी वालो, कोई तुम्हें जगानी आया, मेडिटेशन का मौसम तुमको मस्त बनानी आया। कहाँ छिपी हो कहाँ छिपी हो, सब कहते हैं भीतर मिलता है। मैंने जब भीतर झांक कर देखा, ढूंढ कर देखा, अंधेरों के सिवा कुछ ना मिला। परंतु आप मिलते ही भीतर हो कहाँ, कहाँ छिपे हो, एक झलक देकर के कहाँ छिप गए हो। कहाँ छिपी हो आँख मिलाकर, कहाँ छिपी हो, कहाँ छिपी हो आँख मिलाकर, मेरी सोई प्रीत जगाकर। कहाँ छिपी हो आँख मिलाकर, मेरी सोई प्रीत जगाकर, बार बार मिलो अंगड़ाई, चैन गया अरुणी नहाई। बार बार मिलो अंगड़ाई, चैन गया अरुणी नहाई। बहुत सुंदर जवाब उतरा मालिक का। दीवानी मेडिटेटर्स, भोर का पंछी देख जरा, भोर का पंछी भोर का पंछी देख जरा, क्या गीत सुनानी आया। जागो रे सोनी वालो, कोई तुम्हें जगानी आया। जागो रे सोनी वालो, कोई तुम्हें जगानी आया, कोई तुम्हें जगानी आया। ध्यान की मस्ती में डूब कर,
हमें एक हो जाने दो। जन्म जन्म की जन्म की इस प्यास को इस बार तृप्त हो जाने दो। खेलो तुम दिलों की होली, खेलो तुम। क्या संवाद में जवाब उतरा। खेलो तुम दिलों की होली, ओ मेडिटेटर्स, खेलो तुम दिलों की होली। कोई खिलानी आया, मेडिटेशन का सूर्य तुमको रोशन करने आया। मेडिटेशन का सूरज हमको रोशन करने आया। हमारी बिगड़ी बनाने आया, प्रकाशित करने आया। हमको मालिक बनाने आया। जागो रे सोने वालो, जागो। भीतर भी कभी सवेरा होने दीजिएगा, भीतर भी कभी प्राची उतरने दीजिएगा, भीतर भी कभी ये सौभाग्य जगने दीजिएगा। जन्मों जन्मों के अंधेरे विदा हो जाए, जीवन सुखद स्वस्थ आनंदित होए। उसी लिए मेडिटेशन एक महत्व रसायन बनकर के उतरा है, एक महान बेस्ट मेडिसिन होकर के उतरा है। अवसर चूकना नहीं, शीघ्रति शीघ्र भीतर की ओर बढ़ते चले जाना। सब और से हट करके अपने आप के आविष्कार में, अपने आप के आविष्कार में, अस्तित्व के आविष्कार में उतर जाना। आविष्कार का सोर्स रहे मौन पूर्वक मुदित भावों में जागे जागे भीतर की राह लेना, बाहर से भीतर की ओर जीवन यात्रा पर उतर जाना। बाहर की दोनों पलकें मूंदते ही आपका देखना उद्घाटित हो जाता है, आविष्कार की घटना शुरू हो जाती है। आप जागे जागे देखते रहना, भीतर की हर गति को देखते रहना, मौन पूर्वक जागे जागे अंतस ध्यान की धारा में निरंतर बहते चले जाना। केवल जागना, देखते रहना, देखना हम सबका स्वभाव है। देखना कोई टेक्निक और मेथड नहीं है, देखना बाहर की आंखों से बाहर को देखना, भीतर की आंख से भीतर को देखना, यही एक महान सुप्रमोस्ट प्रिविलेज जन्म से ही हमको मानव चोले में मिला है। केवल मानव योनि में आप दीप जला सकते हैं भीतर का, आप प्रकाशित होकर के आनंद पूर्ण, सुख पूर्ण, स्वस्थ पूर्ण इस धरती पर मालोमाल होके जी सकते हैं। बहुत सहज सरल साधारण होकर के अपनी ओर जागे जागे रहना। केवल वही देखना जो हो रहा है, अपनी ओर से कोई कल्पना नहीं करना, कोई कोशिश नहीं करना, किसी प्रकार की भी कोई कोशिश देखने की नहीं करना। तुम देख ही रहे हो स्वाभाविक रूप से, आप देख रहे हो, इसलिए देखने की कोशिश मत करना।
कोई कल्पना मत करना, माइंड को कहीं फोकस करने की कोशिश मत करना, माइंड को किसी भी कंसंट्रेटिंग पॉइंट पर फोकस करने के टेक्निक्स और मेथड्स सब मेंटल एक्सरसाइज है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज, मेंटल एक्सरसाइज आपने बहुत किया, फिजिकल एक्सरसाइज के बाद आपने इस माइंड को लगाने की कोशिश में उतरे रहे, किंतु लगा नहीं, ये लगता नहीं, कदाचित भी लगता नहीं, किसी तपी तपस्वी का लगता नहीं, कहीं भी लगता नहीं। इसको लगाने की कोशिश में सारा जन्म मत गवा देना। माइंड जो कभी लगता ही नहीं, सदा स्कैटर्ड, सदा शिफ्टिंग नेचर में निरंतर निरंतर रहता है, परंतु हमारी आइडेंटिफिकेशन माइंड के साथ हमको सदा के लिए अपने आप से दूर करती चली गई। हम माइंड ही बन गए, हम केवल माइंड ही बन बन के घूम रहे हैं। हमें अपना तो कुछ मालूम ही नहीं है, हम हैं कौन पता ही नहीं है। बहुत बड़े बड़े नॉलेज वर्ल्ड के लिए फिरते हैं हम, बड़ा ज्ञान लिए फिरते हैं हम सारी दुनिया का, किंतु अपना पता ही नहीं है। कितना सहज सरल साधारण है अपने को जानना, अपने को पहचानना, अपने आप में अपने आप से अपने आप को ढूंढ लेना, अपने भीतर की ही तो घटना है। इससे हम इतना क्यों वंचित होकर के जी रहे हैं? इसी एक सवाल के जवाब में इतना सच्चित आनंद छिपा है। कितनी एग्जिस्टेंस नॉलेज ब्लिस की त्रिवेणी बहती है, नित नूतन स्नान होता है माइंड का। माइंड के साथ इतनी आइडेंटिफिकेशन क्यों? इट इज ओनली ड्यू टू इग्नोरेंस। हमें मालूम नहीं इसलिए है, हम तो माइंड को ही लगाने में लगे रहता है। मेंटल एक्सरसाइज चलती रहती है, एक फॉर्मेलिटी पूरी करते रहते हैं, उससे बात नहीं बनती। कभी किसी को पीस ऑफ माइंड मिला नहीं, क्योंकि माइंड जहाँ है वहाँ पीस नहीं, और जहाँ पीसफुल स्टेट है वहाँ माइंड नहीं। हमें माइंड से थोड़ा सा डिसआइडेंटिफाइड होना है, हमें अपने स्वभाव में लौटना है। आई एम नॉट ए माइंड, आई एम ए सीयर ऑफ इट, आई एम ए नॉन डूअर, आई एम एन ऑब्जर्वर, अ विटनेस, आई एम ए सीयर। मुझे अपने स्वभाव में लौटना है, अपनी सुरति में लौटना है, अपनी समृद्धि में लौटना है, मुझे जागना है। पलके मुंदते ही अंधेरा है, सन्नाटा है, विचारों की गति है, मन की दौड़ द्वंद्व सब मन माया का विस्तार सामने आएगा। आप जागे जागे देखते रहना, आपका स्वभाव है देखना। आप अपने स्वभाव में रहिएगा, निष्पक्ष निरपेक्ष होकर के देखते रहना। न्यूट्रल एनर्जी है आप अपने स्वभाव में, यू आर ए न्यूट्रल एनर्जी इन योर ट्रू नेचर। यू सिंपली वॉच नॉट टू इंडल्ज इन एनी थॉट। प्रकृति की पावन छटा में अपनी छवि को उघाड़ लेना, अपनी छवि निहार लेना, अपने आप की झलक पा लेना, सदा के लिए आनंदित हो उठोगे। प्रैक्टिकली यू डाल डीप इन मेडिटेशन। मेडिटेशन इज जस्ट ए नॉन डूइंग स्टेट एंड यू आर अ नॉन डूअर एंटिटी इन योर ट्रू नेचर। निष्पक्ष निरपेक्ष होकर के देखते रहना। कहीं भी इंडल्ज होते हो, शीघ्र जागना, वापस लौटना। ये पुकार, ये आवाज तुम्हें जगाए रखने की निरंतर निरंतर प्यास उठाए रखेगी। Mm-hmm.
जीवन की खोज, जीवन की तलाश देखने मात्र से, जागने मात्र से संपूर्ण होती है। मेडिटेशन की सुपर साइंस ये खोज और तलाश का सब्जेक्ट है। धर्म अध्यात्म किताबी ज्ञान नहीं है, केवल ये खोज और तलाश का सब्जेक्ट है। ये एजुकेशन का सब्जेक्ट नहीं, ये शिक्षा का विषय नहीं। मेडिटेशन है एक महान खोज तलाश अपने अस्तित्व की, अपने स्वभाव की, अपनी सुरती की। सेल्फ रिमेम्बरेंस इज द मास्टर की टू सेल्फ इंप्रूवमेंट। जिंदगी को तेरे नाम किया है, अपनी जिंदगी को मालिक ओ जन्मदाता, जीवन प्रदाता, ओ माय लवली लिविंग मास्टर, अपनी जिंदगी को तेरे नाम किया है। बाबा तेरे प्यार का एहसास किया है, ओ विराट तेरे प्यार का एहसास किया है। अपनी जिंदगी को माइंड के नाम नहीं करेंगे, मास्टर के नाम करेंगे, अपने मालिक के नाम करेंगे। जिसने दिया है उसी के नाम करेंगे हम। ये ऑनेस्टी, सिंसियरिटी सदा पिरोएंगे। जो अपने प्रति ही सिंसियर नहीं है वह किसी के प्रति भी सिंसियर नहीं हो सकता। सिंसियरिटी एकमात्र भीतर का सब्जेक्ट है। हम माइंड को नहीं देंगे, मास्टर को देंगे, अपने मालिक को, अपने प्रीतम को, अपने साहिबा को, एकमात्र अपने जन्मदाता को देंगे। हम भीतर जाग करके जिएंगे, हम मास्टर के साथ जिएंगे और माइंड से पूरी तरह से अवगत रहेंगे, पूरा इस्तेमाल करेंगे, इसको पूरी तरह से अवसर देंगे तमाम प्रकार के फैलाव का, निर्माण का। किंतु नेगेटिव माइंड को हम पूरी तरह से फेस करेंगे अपनी तमाम क्वालिटी से, अपनी स्वाभाविक स्थिति से। नेगेटिव माइंड टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, मनोरोग, हृदय रोगों का एकमात्र कारण है दिस नेगेटिव माइंड। इसके हाथ हम अपना जन्म क्यों दवाएं? अनमोल जीवन, अनमोल जवानी माइंड के हाथ क्यों दवाएं? क्यों ना अपनी स्टेट ऑफ अवेयरनेस में, अपनी थर्ड आई में, शिव नेत्र में, अपनी सुरती द्वार पर क्यों ना हम इस जीवन को जगमगाएं? जो बहुत संभव है, बहुत पॉसिबल है। बाहर की तमाम प्राप्तियाँ इतनी इतनी मुश्किल हैं, भीतर की ये प्राप्ति तो, भीतर का ये अनुभव तो हमारा स्वभाव ही है, जन्म से हम सबके पास है। इसके लिए कोई कोशिश नहीं करना होता और शिखरों की मालकियत हाथ लग जाती है। करना कुछ नहीं, भीतर जागे रहना। जो भीतर वॉचफुलनेस में है, बाहर वो पूरी तरह माइंडफुलनेस में भी है। कंसंट्रेशन की वहाँ कमी नहीं जहाँ मेडिटेशन का निवास होता है।
अपनी जिंदगी को तेरे नाम किया है, और विराट तेरे प्यार का एहसास किया है, बाबा तेरे प्यार का एहसास किया है, बाबा तेरे प्यार का एहसास किया है अपनी जिंदगी को। तुझको अर्पण कुछ भी नहीं हमारे, तेरा तुझको अर्पण कुछ भी नहीं हमारे, बनके फरिश्ते उड़ते हम बाबा संग तिहारे, बाबा संग तिहारे, ज्योतिर्मय शिखरों का ज्योतिर्मय शिखरों का स्वर्णिम शिखरों का अनुभव किया है, बाबा तेरे प्यार का एहसास किया है, बाबा तेरे प्यार का एहसास किया है अपनी जिंदगी को। चकोरे उड़कर चंदा की ओर चढ़ती, चंदा की ओर चढ़ती, जैसे क्षमा को देख कर पतंगा आगे बढ़ते, पतंगा आगे बढ़ते, बाहों में लेकर के दुलार दिया है तूने। ऐसे ही दीवानों को, पतंगे परवानों को, मेडिटेटर्स को, ओ माय मास्टर, ओ मालिक, ऐसे ही जो तेरी ओर बढ़े, जो
अपनी अंतरात्मा की ओर बढ़े, जो अपनी प्यास परवानगी को लेकर के तुझसे मिलने की, दर्द लेकर के उठे तुझसे एक हो जाने की, तुझसे पूरी तरह तुझ में समा जाने की, इसी जन्म में प्यास लेकर के उठे, जिसने अपने जीवन को एनलाइटन करने की प्यास उठाई, जिसने सुपर साइंस के शिखरों पर उड़ारी लगाने की प्यास उठाई, जिसने सुपर साइंस की लैब में उतरने का एहसास किया, ओ एनलाइटन वन, ओ मालिक, ओ मुर्शिद, तूने बाहें फैला करके, अपनी बाहें फैला करके उसको अपने सीने से थाम लिया। 3 घंटे लगातार गीता चली कि तो बना कुछ नहीं। आखिर स्वयं भगवान कृष्ण ने, उस मास्टर ने कहा, लॉर्ड कृष्णा ने कहा, अर्जुन अब छोड़, सर्वधर्मान परित्यज्य, मामेकम शरणम व्रज, सर्वधर्मान परित्यज्य, अब छोड़ इस माइंड की डुअलिटी को और तो मेरी छाती से लग जा, मेरी बाहों में आ जा। 3 घंटे लगातार संवाद से तो बना नहीं, आखिर वाइब्रेशन के महाशिखर के साथ जुड़ते ही, उसकी बाहों में आते ही, वाह बलशाली हुआ, वह अपने आप में नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, सेल्फ रिमेम्बरेंस में उतर गया। वाइब्रेशन के दौर ने, वाइब्रेशन के शिखर ने, वाइब्रेशन के आकाश ने जैसे ही उसको अपने दामन में लिया, वो मालो माल हो गया, वह सदा के लिए भीतर का मास्टर हो गया, वह एनलाइटेंड होने लगा और अपने कर्तव्य कर्म के लिए एकदम तैनात हो गया। ये है मेडिटेशन, क्या गजब है। जैसे चकोरे उड़कर चंदा की ओर चढ़ते, चंदा की ओर चढ़ते, जैसे शमा को देख कर पतंगा आगे बढ़ते, पतंगा आगे बढ़ते, बाहों में लेकर के दुलार दिया है, बाहों में लेकर के दुलार दिया है, वो विराट तेरे प्यार का एहसास किया है, वो विराट तेरे प्यार का एहसास किया है, स्वर्णिम शिखरों का अनुभव किया है, स्वर्णिम शिखरों का अनुभव किया है, दाता तेरे प्यार का एहसास किया है, ओ विराट तेरे प्यार का एहसास किया है, अपनी जिंदगी को